कोविड का जो काल गया पिछला ये दूसरी वेव का, खास करके विधानसभा का जो बजट सत्र था उसके बाद विधायकों से हमारा सामूहिक रूप से मिलना हुआ नहीं था, और ऑनलाइन तो हम बीच बीच में कुछ बैठकें करते रहे, लेकिन प्रत्यक्ष अब चूंकि उनकी जो विधानसभा की बैठकें हैं वो भी शुरू हो गई हैं, सब विधायक आने शुरू हुए हैं, तो इसलिए हमने बहुत समय के बाद, लगभग 3 महीने के बाद आज विधायकों से मिलना हुआ है। संयुक्त विधायक दल की हमारी बैठक थी और इसमें कुछ सरकारी कामकाज की बातें उनको बताई गई हैं, खास करके 2 पोर्टल, एक जन सहायक पोर्टल है और एक ग्राम दर्शन पोर्टल है, इन 2 पोर्टल्स की उनको सारी जानकारी दी गई है। कुछ और फुटकर विषय जिसकी सूचनाएं उनको दी गई हैं, साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के जो राजनीतिक मामलों के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, दोनों पार्टियों का हमारे अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, श्री निशान सिंह जी, वो भी हमारे बीच में थे, तो सब लोग एक प्रकार से मिलने जुलने का जो कार्यक्रम हमारा मासिक कार्यक्रम ऐसे होता है, लेकिन इस बार हम 3 महीने बाद मिले तो इसलिए एक अच्छी बैठक हुई। पोर्टल के माध्यम से क्या कुछ काम होगा, क्या जानकारी दी गई है, किस तरीके से अपनी शिकायतें मांगे रखी? जन सहायक जो पोर्टल है उसका उद्देश्य ये है कि जितने भी सरकारी योजनाएं सेवाएं हरियाणा सरकार की हैं, डिपार्टमेंट्स सब हैं, तो उनकी अपने जितने भी पोर्टल्स और उनकी वेबसाइट्स हैं उन सब के जो पते हैं, एड्रेसेस हैं, या किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के हिसाब से ऑनलाइन कोई चीज़ अप्लाई करनी है, उसका एक सरल तरीके से एक पोर्टल बनाया गया है ताकि उस एक ही पोर्टल के माध्यम से और हम सारी योजनाओं का, जनता के लिए खास करके है, अपनी योजनाओं का लाभ वो ले सकें, तो एक प्रकार सा एक प्रवेश द्वार हरियाणा सरकार ऐसा करके, और ऑनलाइन जो सिस्टम होता है उस पर हमने उसको बताया है। हाँ, एक किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल, भारतीय किसान यूनियन जो गुणी प्रकाश हाँ की जो यूनियन है, वो लोग आए थे 40-45 लोग, उन्होंने आकर के आभार भी प्रकट किया, धन्यवाद भी किया, जितने किसानों के हमने काम किए हैं उनसे सबसे प्रसन्न थे, और विशेष तौर पर ये जो 3 बिलों की, जिनकी 3 कानून की जो बात हो रही है वो एकदम उससे सहमत थे कि ये कानून एकदम सही है, ठीक है। एक एक का लाभ उन लोगों ने हमको गिनवाया कि किसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उन लोगों ने बल्कि मुझे निमंत्रण भी दिया है अपने क्षेत्र में आने के लिए, तो हमने कहा कि भी ठीक है, अगले समय जब भी उनको दिया जाएगा वो एक कार्यक्रम करेंगे। विधायकों ने कोई बात रखी हो विधायक किसान आंदोलन? नहीं, ऐसा कोई विषय विधायक लिया है कामकाज को लेकर, और जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से सुचारू रूप से धारकों में नहीं जा पा रहे विधायक, क्या बताया? देखिए, अभी बहुत से विषय अभी हमने करने हैं, अगले सप्ताह फिर मीटिंग करेंगे तो उसमें आएंगे सारे विषय, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मीटिंग हुई थी तो सरकारी कामकाज के ऊपर ज्यादा बातचीत हुई। सीएम साहब, डीजीपी ने भी रिलीव करने के लिए लेटर लिखा है विभाग को, एसीएस को, क्या उसका स्टेटस है और क्या पैनल जो है वो आगे के लिए भेज दिया है? देखिए, उन्होंने अपनी इच्छा जताई है, उन्होंने एक पत्र लिखा है, इस बात ठीक है, और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने पत्र लिखा है और अपनी इच्छा जताई है तो निश्चित रूप से वो अपनी योजना से भी जाना चाहेंगे, तो हम उस पर विचार करेंगे, और विचार करके अगर उनके जाने का फाइनल होता है तो फिर हम उसकी अगली जो कार्रवाई है वो शुरू करेंगे। एक पैनल जो अगले डीजी को तय करने के लिए दिया जाता है, पैनल भेजा जाएगा यूपीएससी, उस पैनल में से हमको वापस 3 नाम भेजेंगे और फिर नए डीजीपी की नियुक्ति होगी, एक सामान्य प्रोसेस जो रहती है उसको हम करेंगे। ये सामान्य है सर, पीछे जो विस्तार का जो विवाद था? नहीं, सामान्य है, क्योंकि उनका अपना नहीं, देखिए अब वो बात कोई एक तरफ से नहीं होती है, ये सब मिलकर के सरकार का जो फैसला होता है, जो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी भी अपनी योजना इच्छा होती है और सरकार की योजना इच्छा होती है, सब मिलकर के काम करते हैं, हम अलग अलग नहीं करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारा तो कहना कि जो इस समय मुट्ठी भर जो लोग हैं आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं उनकी को बहुत बड़ी संख्या नहीं है, आम किसान जो है उनको इन कानूनों से कहीं कोई विरोध नहीं है, सब अपने सहज गति से उन्होंने अपनाया हुआ है, सबको पूरे लाभ किसानों के मिल रहे हैं, पेमेंट डायरेक्ट मिल रही है, किसान कहीं भी कोई चीज़ बेचने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए अधिकांश किसान तो इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अपना कोई ना कोई एजेंडा उनका है जिसके कारण से उसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष अब किसानों के उस आंदोलनकारी लोगों का जो विरोध है वो बहुत जगह से उस पर उठने लगे और निश्चित रूप से जल्दी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? लोग कोई भी हैं, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, आकर जो विरोध कर रहे हैं ये भी हमारे ही अपने हैं, जो समर्थन कर रहे हैं वो भी हमारे अपने प्रदेश के लोग हैं, इसलिए कोई बहुत बड़े एक्शन लेने का विषय ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से अगर विरोध करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं।